सबसे पहले पूरे गोविंदा पथकों को मैं बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ, साथ में हमारे पूरे देशवासियों के साथ साथ मीरा भाईंदर शहर के सभी नागरिकों का मैं धन्यवाद करूँगा, विशेष करके मीरा रोड के सभी रहवासियों का जिन्होंने इतना सपोर्ट किया और इतना प्यार दिया। कम से कम लाखों की संख्या में यहाँ पे लोग आए 2 बजे से ले कर जो है आज अभी रात 10 बज गया है, और निश्चित तौर पे सैकड़ों की टोलियाँ यहाँ पे जो है गोविंदा पथकों का है। और विशेष आज ये दहीहंडी जो है इसलिए हो गया कि आज यहाँ पे हमारे महाराष्ट्र के लोक लाडे मुख्यमंत्री धर्मवीर मुख्यमंत्री जो है माननीय श्री एकनाथ शिंदे साहब का यहाँ पे पदार्पण हुआ, उनका आशीर्वाद मिला जो है प्रताप फाउंडेशन परिवार सभी हमारे पदाधिकारियों को। तो निश्चित तौर पे जो है मैं धन्यवाद करूंगा मैं प्रताप सरनाईक हमारे जो लोक लाडले विधायक, उन्होंने जो है कहीं ना कहीं जो है जो उन्होंने कल सदन में जो है विधानसभा में उन्होंने एक प्रस्ताव रखा कि गोविंदा पथकों की टोली को 10 लाख का इंश्योरेंस दिया जाए और कहीं ना कहीं गोविंदा पथक को जो है एक्सपोर्ट का दर्जा दिया जाए, तो एक्सपोर्ट का दर्जा दिया उन्होंने। 5% आरक्षण जो खेलों में मिलता है उसमें गोविंदा की टोलियों को आगे आने वाले समय में गवर्नमेंट जॉब में मिलेगा। और निश्चित तौर पर ये 2 सालों से जो है ये हमारा दहीहंडी का जो है कार्यक्रम या तमाम सांस्कृतिक कार्यक्रम हमारा बंद था, तो मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि ऐसा कोई बाधा अब जो है हमारे मानवता के बीच में नहीं आवे, ताकि हमारा जो कल्चरल प्रोग्राम है, धार्मिक प्रोग्राम है, सांस्कृतिक प्रोग्राम है, वो अपने ऐसे ही जो है चलता रहे, महाराष्ट्र की संस्कृति को ऐसे ही हम लोग बढ़ाते रहें, जो है भारत की संस्कृति को बढ़ाते रहे। निश्चित तौर पर मैं ये शुभकामना देना चाहूँगा। मैं सभी देशवासियों को, शहरवासियों को जन्माष्टमी की शुभकामना देता हूँ। पूरे राज्य में बड़ा ही उत्साह है और हम सब भी खुश है कि पिछले 2 साल से हम अपने धार्मिक उत्सव मना नहीं पाए, अब दहीहंडी से शुरुआत हुई है, अब आने वाले समय के अंदर गणेश उत्सव भी धूमधाम से मनाएंगे, नवरात्र भी धूमधाम से मनाएंगे, तो आज शुरुआत हुई है। और जन्माष्टमी सबसे अच्छा है, श्री कृष्ण का जन्म हुआ था जिस दिन, उस दिन से त्यौहार की शुरुआत हुई है। तो मैं और यहाँ के सभी लोग बहुत खुश है, उत्साहित है कि बड़े ही धूमधाम से उत्सव मनाया जा रहा है। सबसे पहले तो मैं प्रताप फाउंडेशन के जो मुखिया हैं विक्रम प्रताप सिंह जी को मैं ढेर सारी शुभकामनाएं बधाई देता हूं कि इतना सुंदर आयोजन आज उन्होंने किया, जहां पे यहां पे हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी भी यहां पे अभी पधार के गए हैं, तो बहुत ही सही है और बहुत ही अच्छा कार्यक्रम रहा यहाँ पर। बहुत अच्छा लग रहा है कि फाइनली ऐसा लग रहा है कि ज़िंदगी नॉर्मल पटरी पे आ रही है, जो चीज़ें जो जश्न हम पहले मनाते थे अब फाइनली वो सब जश्न हम मना पा रहे हैं, गैदरिंग्स हो पा रही हैं, बस हम सबको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, मैं वही बोलती हूँ। और बट ये सब देख के बहुत खुशी हो रही है, वरना बीच में तो ऐसा लगने लगा था कि मतलब जैसे अधूरे अधूरे से हो गए हैं कि वापस से ज़िंदगी पटरी पर होएगी कि नहीं होगी, पर ये देख के बहुत बहुत आई एम सो ग्रेटफुल। एंड मतलब मैं यही बोलती हूँ कि ऐसी सब अच्छा चलता रहे और हम फिर से आगे बढ़े। अरे भाई प्रताप विक्रम भाई जी, हर साल में यहाँ पर प्रताप फाउंडेशन के संस्था के द्वारा ये जो दहीहंडी का उत्सव करते थे, लास्ट 2 साल में कोरोना की वजह से नहीं किया, लेकिन इस बार हमारे राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे साहब ने इस जो भी त्यौहार जो आने वाले दहीहंडी से लेके गणपति उत्सव, नवरात्रि उत्सव, जो जो उसके ऊपर जो उन्होंने ऐसा नियम लगाए थे, वो सारे नियम को हटा के अभी पूरे तरह से खुला करके सभी लोगों को इस उत्सव में उस उल्लास से सहयोग करने के लिए आह्वान किया था और बहुत उत्साह से लोगों ने इस प्रोग्राम में सपोर्ट किया। अब तो यहाँ पर हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी आए, इसलिए विक्रम प्रताप सिंह जी का तो कई गत वर्षों से होता रहा है और सदा होता रहता है, यहाँ उत्साहित तो सभी थे ही लेकिन अति उत्साहित हो चुके हैं। इस समय देखिए कैसे लोगों में, इतनी वर्षा ऋतु हो रही है फिर भी लोग यहाँ पर जमे हुए हैं। सबसे पहले तो मैं आप सबको कहना चाहूँगी हैप्पी जन्माष्टमी, आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। आज आप देख सकते हैं कितना शोर हो रहा है और मैं देख रही हूँ कैसे छोटे छोटे बच्चे, बड़े लोग, सब लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं दही हांडी के लिए। मेरे सामने हांडी अभी लगी हुई है, तो अभी आई थिंक कुछ ही देर में वो फटने वाली है और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। और आज मीरा रोड में बहुत शानदार प्रोग्राम हुआ है दही हांडी का, और मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी विक्रम प्रताप सिंह जी का, ये जिन्होंने इतना शानदार प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया। और मेरे ख्याल से लॉकडाउन के बाद में ये इतने सालों के बाद में हुआ है, तो लोग काफ़ी एक्साइटेड है और मुझे भी बहुत खुशी हो रही है। और ऑडियंस इज़ ऑल्सो वेरी लवली, आप देख रहे हो काफ़ी खूबसूरत ऑडियंस है और बहुत इन्जॉय कर रहे हैं,
तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी विक्रम प्रताप सिंह जी का और मेरी सिस्टर सुंदरी ठाकुर जी का कि उन लोगों ने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया और इस सम्मान से एज ए सोशल एक्टिविस्ट मुझे सम्मान दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसीलिए आप देख रहे हैं ना लोगों का हजूम, ये प्रताप की देन है जो आज सब आपस में मिल रहे हैं इतने दिन के बाद, खुशियाँ मना रहे हैं, समथिंग कुछ अच्छा लग रहा है, सुकून लग रहा है। दो साल तो लोगों ने जेल की तरह काटा है, दो साल नहीं इवन ढाई साल, तो अभी बहुत अच्छा लगा है। और प्रताप जो करते हैं ऑलवेज बहुत ही हटके करते हैं, इतने लोगों को साथ में लेके चलना और सबको सम्मान देना हर किसी के बस की बात नहीं है जो आज प्रताप कर रहे हैं। कन्हैया जी उनको ऐसे ही हिम्मत और शक्ति प्रदान करें और अच्छे अच्छे काम करें। सीएम साहब आए, गुरुजी सारे लोग आए हुए हैं, बहुत बड़े बड़े दिग्गज आए हैं, पार्टी के लोग आए हुए हैं। सो मेरी बेस्ट विशेज है उनके लिए, वो हमेशा खुश रहें, अच्छे रहें, तंदुरुस्त रहें और काना का ऐसे ही मनोरंजन करते रहें। सो थैंक यू सो मच। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रताप फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री विक्रम प्रताप सिंह जी को कि इतना दिव्य और भव्य आयोजन करने के लिए, और आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी आए उनका भी बहुत बहुत साधुवाद। बहुत ही दिव्य और भव्य आयोजन है, ये तो समुद्र है, यहाँ पर देखिए जनसैनाब उबड़ा है, बहुत ही अच्छा आयोजन हुआ है। भगवान कृष्ण कन्हैया लाल जी ऐसे आप सभी की इच्छाएं पूर्ण करते रहें। मैं बहुत खुश हूँ प्रताप फाउंडेशन की इस मंच पे, इस प्रांगण में बहुत सारे हमारे कलाकार साथी भी आए हुए हैं, मैं उनको कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि मैं पिछले चार साल तक मुंबई में कोविड, दो साल से मैं कहीं दही हंडी और इस तरह से प्रोग्राम में नहीं गया था, मैं हर साल आता हूँ प्रताप फाउंडेशन की दही हंडी में, इस बार भी आके मैं बहुत खुश हूँ और मेरी खुशियों का ठिकाना नहीं है जी। सबसे पहले तो मैं नमस्कार करना चाहूँगी, मैं राधा सिंह हरियाणवी कलाकार, मैं भोजपुरी इंडस्ट्री में फर्स्ट टाइम आई हूँ और मैं मुंबई आई हूँ और मैं देख रही हूँ दही हांडी बहुत अच्छा लग रहा है और मैंने कभी इमेजिनेशन नहीं किया था कि इतना अच्छा होता है, इतना बड़ा होता है, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर और मुझे बहुत खुशी हो रही है यहाँ पर आकर। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगी अपने दर्शकों को, अपने श्रोताओं को, आप सभी को ढेर सारी बहुत बहुत बधाई हो कृष्ण जन्माष्टमी की, और बहुत टाइम के बाद हम लोग आज साथ में सेलिब्रेट कर रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है। और मैं कहना चाहूँगी कि आप लोग अच्छे से मनाएं, सेफ रहें, और जैसा कि देख रहे हैं कि लोग एक्साइटेड हैं, बहुत भीड़ है, मज़ा आ रहा है देख के, बहुत अच्छा लग रहा है। नमस्कार, मैं गीतकार संगीतकार मुन्ना दुबे, और दही हांडी की सबको बहुत सारी शुभकामनाएँ हैं, और दो साल के बाद ये मनाया जा रहा है और इतना आनंदमय है, क्या करूँ। जय श्री कृष्ण। सबसे पहले मैं अरुण सिंह भोजपुरिया का तमाम देशवासियों को हमारे तरफ से जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामना, और बहुत खुशी की बात है कि आज इस आपदा से निपटने के बाद, कोरोना जैसे महामारी से उबरने के बाद, अब फिर से पब्लिक में वो जोश और उमंग दिखने को मिल रहा है, तो बहुत अच्छा लग रहा है और मेरा बहुत बहुत शुभकामना और बधाई है। प्रताप फाउंडेशन में मैं दही हांडी में, एक्चुअली दही हांडी प्रोग्राम में पहली बार आया हूँ, इससे पहले मैं नहीं जाता था, लेकिन इतना मज़ा आया कि मुझे मतलब अब तो बार बार आना पड़ेगा, बिकॉज हमारे जो फाउंडेशन है विक्रम प्रताप सिंह भैया और हमारे भैया प्रताप फाउंडेशन के सब लोगों को सबसे पहले बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आज दही हांडी के उपलक्ष में सारे भारतवर्ष को और मीरा रोड के लोगों को। राधा, इट वॉज awesome एक्सपीरियंस, बहुत अच्छा लगा। एक बार आप सभी को जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं, और ऐसे ही हमें फिर से याद करते रहेगा और आपकी खुशियों के पल में हम ऐसे ही, क्योंकि बस यही कहना चाहूंगी कि खूबसूरत से एक पल का किस्सा बन जाता है, जाने कब कौन जिंदगी का हिस्सा बन जाता है, और साथियों कुछ खास लोग मिलते हैं जिंदगी में जिनसे कभी ना बिछड़ने वाला रिश्ता बन जाता है, और ऐसा ही।